कार ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी ठोकर, होमगार्ड बुरी तरीके से हुआ घायल। जब बहराइच के रिक्शा किशनपुर चौराहे के पास तेज रफ्तार आ रही कार ने बाइक सवार होमगार्ड को 14/5/2022 को ठोकर मार दी। होमगार्ड बुरी तरह घायल हो गया था। वहीं घायल होमगार्ड लोगों की मदद से इलाज के लिए नजदीकी नरेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लोगों ने कार को कब्जे में लेकर डॉक्टर के सुपुर्द कर दिया गया था। घायल होमगार्ड आरोप है कि 14/5/2022 को बहराइच से ड्यूटी कर अपने घर को दोपहर में वापस आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार यूपी 70FM 2182 नंबर कार ने कृष्णपुर चौराहा पर मुझे ठोकर मार दी, जिससे हम काफ़ी चोट लगी है। लोगों की मदद से हम नरेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां मेरी इलाज 2 दिन तक चला। लोगों की मदद से कार को भी डॉक्टर के कब्जे में ले लिया गया है। फिर भी जांच के बाद पता चला कि मेरी 3 हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर ने मुझे जबरन बाहर निकाल दिया। होमगार्ड ने नरेंद्र हॉस्पिटल डॉक्टर पर कार ड्राइवर से पैसे लेकर कार को छोड़ने का लगाया गंभीर आरोप, और कार ड्राइवर से पैसा लेकर कार को छोड़ दिया गया। अब मेरा इलाज रिसिया के हसन हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां एक दिन का खर्चा लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये लग रहा है। बताया गया कि मटेरा थाने में लिखित तहरीर दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए खास रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। नाम राम कहाँ? कहाँ रहते हैं आप? राम महरू। क्या हुआ है? सर हम जा रहे हैं होमगार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ, 12 से ड्यूटी कर कर लौटा। नरेंद्र हॉस्पिटल के सामने चौराहे पे बिलोरों ने टक्कर मारा और मैं गिर गया, बेहोश हो गया। वहाँ के लोग जा कर के हमको वहाँ नरेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बिलोरो वाले ने ला कर के वहाँ डॉक्टर को मिला और बताया कि यहाँ उनकी इलाज कर दीजिए, उसमें पैसा लगेगा मैं दूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, जो दिन उनकी तबीयत नहीं ठीक होगी वैसे मैं उनका इलाज करूँगा, और उसके बाद पैसा उससे ले लिया डॉक्टर ने, और उसको कहा कि तुम जाइए हम उनके इलाज करूँगा। और उसके बाद बढ़िया उनको निकाल दिया, निकाले हमारा तबियत सही नहीं था। लेकिन मैं घर का गया, वहाँ बहुत तकलीफ थी, उठने बैठने में तकलीफ आ रही थी। डॉक्टर मैंने आया हम आरोप के यहाँ, यहाँ एक्सरे कराया, एक्सरे में 3 हमारी हड्डियाँ टूटी थी। तब मारूप ने अपना इलाज करा करने की शुरू कर दिया और कहा कि आप 1 महीना 1.5 महीना वहाँ रुकोगे तब इलाज चलेगा, आपका ठीक होगा। हाँ डॉक्टर ने पैसे ले लिए, गाड़ी छोड़ दिए। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं दवाई करूँगा, लेकिन मेरी दवाई इलाज नहीं किया।